रियलमी इक्वल टू धोखा। एक बहुत बुरी खबर आ रही है रियलमी की तरफ से, जो अगर सच हुआ ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों हम सभी को पता है कि Realme 10 Pro Plus और Pro सीरीज वगैरह लाइक चाइना में लॉन्च हो गया है और यहाँ पे कल के डेट में इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। और हमें यह भी पता है कि क्या क्या उसमें एस्पेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से दो बहुत बड़े एस्पेक्ट्स जो है ना यहाँ पे इंडिया में गायब होने वाले हैं, जो सुन के भाई साहब दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो हमें क्या लगा था कि सेम एस्पेक्ट्स इंडिया में भी आएंगे, लेकिन नहीं। तो गाइस यहाँ पे बॉक्स की एक पिक्चर निकल के आई है और यहाँ पे हमें देखने को मिला है डायमेंसिटी 920। क्या ग्लोबल 1080 पे गया था? फिर तो सही खेल गया। कह दो कि ये झूठ है, कैसे कहें, गीक बेंच पर भी सेम चीज लिस्ट हुई है जो कि है डायमेंसिटी 920। इतना दर्द कम नहीं था दोस्तों, जबकि यहाँ पे दूसरा हथौड़ा मार दिया है रियलमी ने। यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलेगी, यानी OIS। यहाँ पे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो। वहाँ पे OIS नहीं दिया गया भाई साहब, जो कि होना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे लोग यार वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं भाई साहब, यहाँ पे इतना ज्यादा हिल जाता है ना बिना OIS के, भाई पूछो ही मत। तो यहाँ पे रियलमी 9 सीरीज आया था ना, वहाँ पे कैमरा फोकस किया गया था, लेकिन यहाँ पे रियलमी 10 सीरीज में भाई साहब सिर्फ डिस्प्ले फोकस्ड है। यहाँ पे भाई साहब उसमें काफी सारी टेक्नोलॉजी मिलती है, कर्व डिस्प्ले वगैरह मिलती है, तो यहाँ पे डिस्प्ले फोकस यहाँ पे रहने वाला ये फोन, यहाँ पे कैमरास को ध्यान में नहीं रखा है और ना ही परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस से ज्यादा है कि आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि डायमेंसिटी 1080 और 920 में कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात कि जो 1080 है ना वो 920 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ज्यादा कोई फर्क निकल के नहीं आता। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कोर है ना जो 1080 का, वो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है और जो 920 है उस पे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, यानी 0.1% का यहाँ पे जो इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है, यानी इंक्रीज हुआ है। और इसी की वजह से इन दोनों के N22 स्कोर में सिर्फ 5000 से 10000 का यहाँ पे डिफरेंट आता है। और डायमेंसिटी 1080 में 200 MP कैमरा का सपोर्ट है, वो प्रोसेसर 200 MP कैमरा को सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए Redmi Note 12 सीरीज में यहाँ पे 200 MP कैमरास मिलते हैं। और अगर आप लोग गेमिंग वगैरह के लिए लेना चाह रहे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, GPU वगैरह बिल्कुल सेम मिलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही फोन दोस्तों यहाँ पे सेम है। हेलो, ठीक है खबरी लाल जी, भेजिए हमें टेलीफोन पे, भेजिए देखते हैं फोटो। भोसड़ी के टेलीफोन पे कैसे भेजूं? आगे स्वाद। तो गाइस अगर आप लोग आ गए थे टेंशन में, तो टेंशन को दूर करिए, क्योंकि ये जो बॉक्स था ना वो ग्लोबली लॉन्च के लिए था और यहाँ पे जो ग्लोबल जाएगा ना वहाँ पे आपको डायमेंसिटी 920 मिलेगा और इंडिया दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल में नहीं आता है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में आपको 1080 प्रोसेसर ही मिलेगा। और आप लोगों को पता है ये फ्लिपकार्ट पे बिकने वाला है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डायमेंसिटी 1080, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार। वैसे अगर 920 भी होता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन यार OIS थोड़ा सा खटक रहा है मुझे, बट क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो नहीं था। कोर्ट से याद आया कि यहाँ पे इसकी प्राइस जो है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे लाइक कम होने वाली है, जो लाइक बड़े बड़े लाइक है ना विद्वान जिनको कह सकते मोबाइल फोन की दुनिया में, उनका ये कहना है कि सारे बैंक्स ऑफर वगैरह लगा के सारी चीजें लगा के ना यहाँ पे ये फोन आपको 21000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर 21000 में आता है ना भाई साहब तो कतई बवाल मचा के ये रख देगा, बाकी नॉर्मली अगर 25 तक भी आता है तो वहां पर भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस, जो कि Realme 10 Pro Plus है ना उसके अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह यहाँ पे हमारे चैनल पे आएगी, तो बस आपका सपोर्ट की जरूरत है भाई साहब, काफी तगड़े मेहनत से मैंने जुगाड़ किया, तो प्लीज रेड कलर दबा के सब्सक्राइब, नहीं रेड नहीं अपग्रे कर दिया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो यार, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है प्लीज। और OnePlus 11 सीरीज के बारे में काफी तगड़े तगड़े चीजें बाहर निकल के आ गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी ठोक देना, आपको ऑनेस्टली रिव्यू मिलेगा भाई हमारे, ऑनेस्ट अरे सच्चा रिव्यू यार।